हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियाँ। उससे भी नीचे, जहाँ सूरज की किरण भी नहीं पहुँचती थी, वहाँ था डीप सी किंगडम। वहाँ के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहाँ के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियाँ काफी नहीं थी। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी, और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन वेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई, बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई ना जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी, डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन, महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ,
सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहाँ आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सीकिंग निम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलट कर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी, तुम्हारे दो पैर निकल आएंगे, बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना? थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था,
फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले दो दिन बीत गए, अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकाल ले। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया, जिसमें एरियल की आवाज कैद थी। और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच।